कल असेंबलियां तोड़ने का ऐलान करें, हम एक साथ इलेक्शन को तैयार हैं, हुकूमत के साथ मुजाकरात में सिर्फ यही बात करनी है, ये कहना था चेयरमैन पीटीआई इमरान खान का। उन्होंने कहा कल असेंबलियां तोड़ने का ऐलान करें, हम एक साथ इलेक्शन को तैयार हैं। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान ने यह भी कहा कि हुकूमत के साथ मुजाकरात में सिर्फ यही बात करनी है। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान ने रैली के शुरुआत से खिताब में कहा कि आइन तोड़ा गया और सुप्रीम कोर्ट का हुक्म ना माना गया तो फिर सड़कों पर होंगे। अगर इन्होंने सुप्रीम कोर्ट का जो वर्डिक्ट है वो ना माना, अगर सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस और जजेस के खिलाफ गए, आइन तोड़ा, तो मैं आज यहां सबके सामने कहना चाहता हूं कि उसके बाद तहरीक इंसाफ पाकिस्तान की सड़कों पे निकलेगी, हम सारी आवाम को निकालेंगे। लाहौर में रैली के शुरुआत से खिताब में पीटीआई चेयरमैन इमरान खान ने कहा कि रैली का मकसद मुल्क में रूल ऑफ लॉ की जिदोजहद है। इस वक्त पंजाब में और पख्तूनख्वा में घुसपैठिए बैठे हुए ऊपर, इनकी कोई आईनी हैसियत नहीं है। आईन के मुताबिक जब गवर्नमेंट डिसॉल्व हुई थी दोनों सूबों की, तो 90 दिन के अंदर इलेक्शन होने थे, इन केयरटेकर गवर्नमेंट्स ने एक कदम नहीं उठाया इलेक्शन करवाने के लिए। साबिक वजीर आजम ने हुकूमत के साथ मुजाकरात के हवाले से अपना लाहे अमल भी वाजे कर दिया। ये इलेक्शन कब करवाना चाहते हैं? जब ये समझेंगे कि ये जीत सकते हैं, जब ये समझेंगे कि इमरान खान रास्ते से हट जाए। इनका सिर्फ एक मकसद इलेक्शन ना करवाने का ये है। इमरान खान ने मजीद कहा कि आम आदमी महंगाई से पिस रहा है। साथी रिपोर्टर तालिब फरीदी के साथ मियां असलम, एक्सप्रेस न्यूज़, लाहौर।